हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। और क्लासिक 350 का आप ओल्ड मॉडल देख रहे हो जो कि कुछ ही दिन पहले डिसकंटिन्यू हुआ है और कुछ एक शोरूम्स पे भाई अवेलेबल है। तो बहुत से भाई बोल रहे थे कि उसका रिव्यू करो एक बार और, तो ये एक शोरूम पर मुझे मिला है बाइक, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बाइक भाई अगर आपको मिलता है तो आप ले लो, क्योंकि अभी आगे बन ही नहीं रहा है। कहीं पर आपको रेयरली एक आधा पीस मिल सकता है, अदरवाइज़ ये बंद कर दिया गया कंपनी के द्वारा। स्टीथ ब्लैक आता था ये, बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं भाई। डार्क सीज गंडर आता है एक, इसमें गन मेटल ग्रे कलर आता था, वो भी आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोनों ही कलर ये बंद हो गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया ओवरऑल बाइक आपको देखने को मिलता था, सबसे ज़्यादा बिकता था भाई क्लासिक 350 के अंदर ये वाला कलर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ओवरऑल लुक देख लो भाई, कितनी शानदार लुक्स के साथ ये वाला बाइक आता था आपका। रॉयल इनफील्ड यहाँ पर क्रोम में लिखा जाता था, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अब जो है आपको डार्क ब्लैक में देखने को मिलता है, तो उसमें थोड़ा दिखता भी नहीं है। क्लासिक 350 यहाँ पे देख लो, रेड स्ट्रिप का हर जगह आपको टच देखने को मिलता था, जो कि लोगों को स्पेशली अट्रैक्ट करती थी ये चीज़, जो कि अब नई जो आपकी अपडेटेड आई है क्लासिक 350, उसके अंदर सब कुछ ही हटा दिया गया है। वैसा कुछ भी नहीं है कलर वगैरह के मामले में खासकर। और इसका प्राइस भी थोड़ा कम है पहले वाले के मुकाबले। इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइस आपको 2,52,000 रुपये के आसपास या 2,50,000 रुपये के आसपास पड़ता है दिल्ली के अंदर, विदाउट एनी एसेसरीज। और ये बाइक भी फ़िलहाल दिल्ली में ही खड़ा है भाई, अगर कोई लेना चाहे तो आपको जो है चांदनी चौक के पास एक शोरूम है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ये। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी आप देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया जो है लुक्स इस बाइक के आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया, क्लासिक 350 हमेशा से भाई शानदार रही है, और डार्क सीरीज तो हमेशा से लोगों के द्वारा पसंद की गई है। इसमें आपको सस्पेंशन, मिरर, हैंडल बार, हर चीज़ आपको जो है मैट ब्लैक में ही देखने को मिलेगी, ना के बराबर इसके अंदर क्रोम का यूज़ किया गया है। सिर्फ हेडलाइट कैप को अगर आप छोड़ दो तो हर जगह आपको जो है मैट ब्लैक का यूज़ देखने को मिलेगा। ये लोगो देख लो भाई रॉयल इनफील्ड का, इतना शानदार आपको जो है देखने को मिलता है। टैंक पैड के साथ ये बाइक आती है, टैंक के ऊपर इसके अंदर आपको टैंक पैड देखने को मिलते हैं। और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरियंट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी वेरियंट के अंदर आपको जो है भाई कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं डार्क सीरीज के अंदर ही, चाहे आप गन मेटल ग्रे कह लो या इसे कह लो। और ये क्लासिक 350 रेड स्ट्रिप के साथ टच में काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। ये इसका इंजन जे सीरीज का इंजन आपको लेटेस्ट रॉयल इनफील्ड का देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, 350 cc का, जो कि आपको 20.2 BHP की पावर निकाल के देता है 27 Nm के टॉर्क के साथ। और ये हेडलाइट इसकी देख लो, इसके इंडिकेटर्स जो कि अब LED कर दिए गए, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको हैलोजन में ही देखने को मिलते थे। तो ये भी एक मेजर चेंज आया है अभी नई वाली क्लासिक 350 के अंदर, वो भी काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई, क्योंकि 5 से 6 हज़ार रुपये कंपनी ने जो है बढ़ाए हैं। और उसके अंदर आपको जो है LED लाइट मिलती है, और भी छोटे मोटे चेंजेस जैसे ट्रिपल नेविगेशन देखने को मिलता है, ये उसके अंदर अपग्रेड किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया जो है वो भी वाली बाइक भी है। 35 तक का माइलेज आपको देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर अगर आप बढ़िया से राइड करते हो तो। 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है, 2 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी है। तो 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक होने के साथ ही और माइलेज अच्छा है, तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज एक बार में टैंक फुल में आप आराम से अचीव कर सकते हो। किक नहीं आती इस बाइक के अंदर, ना ही अपडेटेड जो आपकी क्लासिक 350 आई है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये स्ट्रिप यहाँ पे एथेनॉल 20 की बैजिंग मिलती है। चेंज कुछ नहीं है भाई, बाइक तो यही है, बस थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। ये इसका सेमी डिजिटल जो है आपको मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार है, जिसके अंदर आपको फ्यूल मीटर, ट्रिम मीटर, टाइम, जरूरत की सभी चीज़ें मिलती हैं। बस नई वाली में एक चेंज आया है MID में कि आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी अब देखने को मिलेगा, और यहीं पे आप जो है लॉक कर सकते हो बाइक को, ये भी एक चीज़ बढ़िया है। ट्रिपल नेविगेशन इसके अंदर नहीं आता, लेकिन नई वाली के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको USB चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर भी जो है भाई आप ट्रिपल नेविगेशन कंपनी एंड से जो है फिट करवा सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इस बाइक के अंदर यूज़ करता है। सस्पेंशन भी शानदार आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फ्रंट में, 41mm फ्रॉक्स 130mm ट्रेवल के साथ। और रियर में आपको जो है ट्विन ट्यूब एमिलेशन शॉक एब्जॉर्बर्स विद 6 WD पोलूटर के साथ सस्पेंशन सिस्टम जो है देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन शानदार है बाइक का, नो डाउट सस्पेंशन के मामले में कहीं पर भी कमी नहीं है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये वाली बाइक आती है, फ्रंट में और रियर में दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक जो है देखने को मिलेगा। फ्रंट में 300mm की डिस्क ब्रेक आती है, रियर में 217mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। कंपनी फिटेड या अलॉय आते हैं इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है जिनका की। और इसके अंदर जो है 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अप और आपको जो है सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी रियर टायर की बात करें तो 120/18 का रियर टायर आपको मिलता है, और फ्रंट टायर की बात करें तो 190/19 का आपको फ्रंट टायर मिलता है, यानी कि व्हील साइज़ जो है पीछे 18 इंच है और फ्रंट में 19 इंच का आपको मिलता है। स्प्लिट सीट इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से आप रियर सीट रिमूव भी कर सकते हो,
रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे भी आपको लोगो मिलता है और काफ़ी कंफर्टेबल इसकी जो सीट हैं आपको देखने को मिलती हैं। कंपनी एंड से भी आप बहुत सारी एसेसरीज जो है क्लासिक 350 के अंदर लोड करवा सकते हो। एसेसरी की भाई कोई कमी नहीं है आज की डेट में रॉयल इनफील्ड कंपनी एंड से भी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टर आपको मिलते हैं फ्रंट सस्पेंशन के ऊपर जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई। ट्यूबलेस टायर इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे आपके, क्योंकि स्पोक व्हील्स नहीं है, आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर आपको जो है ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी 195 kg इस बाइक का वेट है, 195 kg काफ़ी भाई हैवी बाइक है। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अप टू 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिलता है और लेडीज़ फुट रेस्ट भी जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार आपको जो है बाइक के अंदर देखने को मिलती है। ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगता है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स का। 805 mm की आपको सीट हाइट मिलती है, 1390 mm का आपको व्हील बेस मिलता है, 170 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि पहले वाली क्लासिक 350 से इम्प्रूवड है, जो कि आपकी प्रीवियस जनरेशन थी उसमें 135 mm की आपको मिलती थी, इसमें आपको 117 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया आपको बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। बाकी 2145 mm की लंबाई है बाइक की, 785 mm की आपको चौड़ाई मिलती है, 1090 mm का आपको जो है हाइट मिलता है। और ओवरऑल जो ये टैंक का डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़िया लगता है। व्हील्स के ऊपर भी आपको रेड स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है मैट ब्लैक के साथ, नो डाउट। तो ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज है आपकी स्ट्रीट ब्लैक, 2,50,000 रुपये में बढ़िया बाइक आपको देखने को मिलती है। सर्विस एक्सपीरियंस शानदार है रॉयल इनफील्ड का, ऑल ओवर इंडिया आपको सर्विस सेंटर्स वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं। वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरियंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड टैंक पैड मिलते हैं और आपको जो है भाई हेडलाइट कैप मिलती है, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, मैट ब्लैक कलर मिलता है। तो ये सिर्फ आपको जो है कंपनी फिटेड इसी वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती हैं चीज़ें, बाकी जो आपके डार्क सीरीज के अलावा जितने भी आते हैं उनमें नहीं मिलेंगे आपको अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर वगैरह, ध्यान कि आपको टैंक पैड भी नहीं मिलेगा उनके अंदर, ठीक है ना। तो ओवरऑल बढ़िया ये वाली बाइक है और वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। और किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसको चला सकता है, सभी के ऊपर अच्छी लगती है, नो डाउट बाइक है ही भाई बढ़िया, ये सभी के ऊपर बढ़िया लगती है और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया आपको ऑफर करती है। फिलहाल के लिए ये मॉडल जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन किसी शोरूम पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए, ठीक है भाई। इस प्राइस के अनुसार 2.5 लाख रुपये में बाइक बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें आपको जरूरत की इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, एक मॉडर्न बुलेट आप इसको कह सकते हो। और स्ट्रीट ब्लैक सबसे ज़्यादा बिकती है आपकी क्लासिक 350 सीरीज के अंदर, सबसे ज़्यादा लोग डार्क सीरीज को ही पसंद कर रहे हैं आजकल। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी नेक्स्ट लेवल आपको जो है बाइक के अंदर देखने को मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक जब से लॉन्च हुई है जब से दबा के बिक्री है। इंजन भी काफ़ी शानदार है इसका, बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं है ना के बराबर। ऊपर से इसके अंदर आपको ड्यूल रोड चेसिस मिलती है, ठीक है, जो कि पहले नहीं आती थी, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा तो रहती थी। इसको कंपनी जो है ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम चेसिस बोलती है, काफ़ी शानदार चेसिस है, रिगिड चेसिस है, तो इससे ओवरऑल स्टेबिलिटी और बिल्ड भी बढ़िया हुई है बाइक की कहा जाए तो, ठीक है ना। तो बस ये था हमारा ओवरऑल डिटेल रिव्यू, आज के वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।